दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हर रोज सटीक भविष्यवाणी, साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी परेशानियों का समाधान मिलने वाला है। तो आप भी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में खुश रहने और अच्छे से रहने के लिए मेहनत करता है और साथ ही साथ अपनी रुचि और ज्ञान के अनुसार काम भी करता रहता है, ताकि वो पैसा कमा सके और खुद का तथा अपने घर परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सके। कई लोग नौकरी करते हैं तो कई लोग बिजनेस, और ऐसे में अगर आप भी बिजनेस करते हैं और उसमें अगर आपको काफी फायदा होगा तो निश्चित रूप से आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने की भी जरूर सोचेंगे। बिजनेस का मतलब यह कभी नहीं होता कि आप किसी चीज में पैसा लगा दे और उसके एवज में आपको उससे ज्यादा या फिर दुगना पैसा अपने आप आने लगेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा सोचना भी गलत है। बता दें कि आप अपनी मीठी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और इस तरह से हर कोई आपकी भावनाओं की इज्जत तो करेगा ही, साथ ही आपके कार्य का या फिर बिजनेस में भी लोग रुचि लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो आप हमेशा कामयाब होंगे। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ऐसी लोगों की किस्मत भी उनका साथ देती है, उन्हें अचानक से दौलत मिलने का योग भी बनता है। आज हम आपको इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 मई की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको घर में सुख समृद्धि कैसे लाया जाए उसके बारे में कुछ उपाय भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की पॉजिटिव बातों के बारे में। इस राशि वाले लोगों को भाई बहनों के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों द्वारा की गई मेहनत का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि रहने वाली है। आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी मधुर वाणी से लोग प्रभावित होंगे। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी आपका पूरा सहयोग देंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह परिवर्तन शुभ रहने वाला है। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। आप किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। आपको अपने कामकाज का अच्छा लाभ भी मिलेगा। प्रभावशाली लोगों की सहायता मिल सकती है। विदेश में कार्य कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में आपसी मेलजोल बेहतर होंगे। आप अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। आप बड़े से बड़े कार्य भी आसानी से पूरे कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में सुधार आने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों की सहायता मिलेगी। आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। धन संबंधित मामलों में आपको फायदा हो सकता है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपको किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। आप कई क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको भी अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए यह परिवर्तन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर नतीजे भी हासिल होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की निगेटिव बातों के बारे में। इस राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम हासिल होंगे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। आप अपनी बातों को कहने से ज्यादा दूसरों की बातें सुने। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। कामकाज की योजनाओं पर सोच विचार कर सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। आपको बेवजह के खर्चों पर लगाम रखने की जरूरत है, अन्यथा आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है। इस राशि वाले लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। परिवार के किसी सदस्य से आपको उपहार मिल सकता है। घर परिवार का वातावरण ठीक ठाक रहेगा। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको किसी भी यात्रा पर जाने से बचना होगा, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। आपको कुछ मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी से आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। घर परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। आपको अपने घर परिवार की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, आप अपनी आमदनी और खर्चों का संतुलन बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशि फल के बारे में। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको नौकरी से संबंधित में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है। आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए अनुकूल है। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अंत आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें और उनके साथ सदा विनम्र रहे। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। आज आतिथ्य परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे, सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं कुंभ राशि की लव राशि फल के बारे में। आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपके और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आड़े आएगी। अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस ना करें और अपने बीच में अविश्वास की भावना न आने दें। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। आप में से जो अकेले हैं वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। जो पहले से ही किसी के साथ समर्पित संबंध में बंध चुके हैं वे अपने रिश्ते का खोया हुआ रोमांस वापस पाने की कोशिश करेंगे। सभी चुनौतियों पर आपका साहस भारी पड़ेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशि फल की बात करें तो आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आज पूरी हो सकती है। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं घर में सुख समृद्धि के लिए। इनमें से आपको कोई भी एक उपाय करना होगा जिसका असर आपको बहुत ही जल्द दिखाई देगा। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे, इसके लिए वह लगातार मेहनत भी करता रहता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करने से घर और मन में नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला जो उपाय है, दिन की होती ही अच्छी शुरुआत। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। दोस्तों दूसरा जो उपाय है, इस और मुख करके करें पूजा। घर में रोज सुबह स्नान आदि कार्य करके पूजा पाठ करना चाहिए, भले ही कम समय के लिए क्यों ना करें। हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों का ध्यान करें। दोस्तों तीसरा जो उपाय है, अवश्य लगाएं तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं व उसे रोज जल दे। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक रहता है। दोस्तों चौथा जो उपाय है, इस मंत्र का करें जप। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें व पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः इस मंत्र का 9 बार जाप करें। दोस्तों पांचवा जो उपाय है, इस दिशा में मुख करके खाना खाएं। खाना हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। भूलकर भी बिस्तर पर खाना ना खाएं। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है,
साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता रहता है। तो दोस्तों आखिरी और छठा जो उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती उतारें। भूलकर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में ना रखें, हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों इस तरह से 11 मई का कुंभ राशि फल रहने वाला है। यह समय आपके दोबारा नहीं आएगा, तो इस दिन का फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।